पुष्कर सिंह धामी सरकार ने ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत जगह जगह नशे की अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत पुलिस ने स्मैक तस्करों पर शिकंजा कस रखा है। ग्रामीणों से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से 0.732 ग्राम स्मैक बरामद की। हरिद्वार SSP ने कहा कि आम जनता को पुलिस पर भरोसा है, हमारी टीम नशे की तस्करी करने वालों को पकड़ रही है, जगह जगह ऐसे लोगों के ठिकानों पर छापा मार रही है और उन्हें पकड़ा जा रहा है, एक एक कर सभी को जेल जाना तय है। SSP के निर्देशानुसार सभी थानों में चौपाल लगाई जा रही है और नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 0755270080 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।